कितने बोगियों को अब तक हटा दिया गया है, क्योंकि 21 बोगियां डिरेल हुई थी और उसमें बताया जा रहा था कि अनुमानित इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा जब ये सारे बोगियों को हटाया जा पाएगा, तो अब तक कितनी बोगियों को हटाया गया है? देखिए विवाह, सबसे अहम बात है कि इसमें से 10 के करीब जो बॉगी है वो हम सुबोध कैमरा पर्सन से अनुरोध करते हैं, वो दिखाएंगे कि 10 के करीब बॉगी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहां से ट्रेन ये निकल रही थी उधर बेपटरी हुई है। 3 बॉगी जो है वो यहां सबसे बुरी स्थिति में जो डिरेल हुई थी उसे यहां ट्रैक से हटाया जा रहा है। उसके बाद पीछे का जो छोर, जिसकी पहली खबर जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे इस दुर्घटना को लेकर 6 बजे के करीब में, तो वो हमने एक घर के ऊपर से दिखाया था। उस 3 बॉगी को ट्रैक से हटा लिया गया, 3 बॉगी यहां जहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो ये 6 बॉगी हुई। उसके अलावा 4 और बॉगी जो है जो पीछे छोर की बची हुई है वो हटाने बाकी है। हालांकि वो बॉगी जो है वो ट्रैक से सिर्फ उतरे हैं, उसके जो चक्के हैं वो ट्रैक से उतरे हैं, वो पलटे नहीं है, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुए, तो उसे हटाना बहुत बड़ी काम नहीं है, बड़ा टास्क नहीं है। जो बड़ा टास्क है वो यही है कि ये जो 3 बॉगी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसमें से 1 बॉगी की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए इसे क्रान के जरिए ट्रैक से हटाया जा रहा है, दूसरा बॉगी जो है इसके बाद हटाया जाएगा, तो उसके बाद तीसरी, यानी कि 3 बॉगी जो है वो तकरीबन मान के चलिए कि शाम तक इनमें से 3 बॉगी ट्रैक से हटा लिया जाएंगे और ट्रैक बिछाने का काम जो है सुचारू तरीके से। चूंकि कहा गया कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही इसे जानना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए उच्च स्तरीय जांच टीम को रवाना किया गया है, जो कि जिसमें कानपुर से भी अधिकारी निकले हैं, जिनमें कोलकाता से कई अधिकारियों को बुलाया गया है। तो क्या ये टीम यहां पर पहुंच चुकी है, किस तरह के इनपुट्स यहां से लिए जा रहे हैं जिससे पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त जब ये ट्रेन डिरेल हो गई? देखिए बिल्कुल, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो कोलकाता से अधिकारी आए हैं, रेलवे बोर्ड के जो मेंबर्स आए हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, पटना एयरपोर्ट पे आए और वहां से सीधे वो अपने कैब में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके यहाँ पहुंचे और यहाँ आकर के वो चारों तरफ निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक बारीकी चीजों को देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो डिरेल्ड होने की वजह क्या है। हालांकि फौरी तौर पे जो खबर हम दर्शकों तक पहुंचाए थे, जो हमारे रेलवे के आधिकारिक सूत्र हैं जिन्होंने मुझे जो जानकारी दी थी कि ये कर्व था यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 से अगर ये ट्रेन निकली होती तो शायद ये ट्रेन डिरेल नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेन जब यहाँ पहुंच रही थी रघुनाथपुर, बक्सर से चलकर रघुनाथपुर को क्रॉस करना था इसे, तो 2 किलोमीटर पहले ही ट्रेन के जो चक्के हैं वो उसमें घर्षण की आवाज आने लगे, और उसके बाद चूंकि ये जगह जो है, ये पॉइंट जो है, आप खुद समझ सकती हैं कि ये इस तरीके से, देखिए हम अपने हाथों के इशारे से बता रहे हैं कि ये बक्सर का इलाका रेलवे स्टेशन का था, उधर से ये ट्रेन आ रही थी और उसके बाद यहां से उसे कर्व होना था, तो वो कर्व हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 3 के तरफ, और इसी कारण से जब ट्रेन यहां कर्व हुई और जो चक्का घर्षण कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां थी जिसको संतुलित करने का कोशिश लगातार पायलट जो है वो कर रहे थे, लेकिन वो शायद संतुलित नहीं हो पाई। बाकी की जो 3 बॉगी है वो यहाँ ड्रिल हुई, उसके अलावा 7 बॉगी जो है इसके पीछे, जिसमें से 3 और बॉगी जो है पटरी से उतरी, 4 बॉगी जो है वो पटरी से लमसम कह सकते हैं कि खेत के तरफ गिर गई, तो कुल मिलाकर के 10 बॉगी जो है वो ड्रिल हुए। 3 की स्थिति काफी बुरी रही और उन बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्या लोको पायलट को लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है अमित, कि क्योंकि कहा जा रहा था कि लोको पायलट जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और वस्तु स्थिति को लेकर के उसके बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अधिकारी उससे भी बातचीत करने के लिए पहुंचे होंगे, तो क्या कोई उसे लेकर जानकारी सामने आ रही है? देखिए विवाह, इसको लेकर के यहाँ पे जो जीएम आए थे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के, डीआरएम दानापुर मंडल के, दोनों से हमने बात करी तो उन्होंने फौरी तौर पे इस सवाल को नजरअंदाज करते नजर आए। जहां तक बात है तो इस सवाल को हमने सीपीआरओ से भी खंगाला, उनसे भी हमने पूछा वीरेंद्र कुमार से कि जो लोको पायलट इस ट्रेन को लेकर के मूव कर रहे थे वो कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है, तो इस पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली। तो कह सकते हैं कि उनसे रेलवे अपने स्तर से पूछताछ करेगी और यही वजह है कि जैसे ही घटना हुई वो यहां से कहां गए किसी को पता नहीं चला। अब वो हैं कहां ये भी जानकारी जो है वो ना तो हमारे रेलवे के अधिकारी दे रहे हैं ना ही हमारे सोर्सेज दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जब सामने आएंगे तो तस्वीर अगर वो बताते हैं तो वो तस्वीर क्या होगी ये जानना हर कोई चाह रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि रेलवे जो है वो सबसे पहले फौरी तौर पर उस लोको पायलट से पूछताछ
हो सके तो मे भी कर लिया हो अब तक, और उन्होंने जो बयान दिया हो उसी बयान को सत्यापित करने या खंगालने की जद्दोजहद जो है वो यहाँ पे रेलवे बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा, रेलवे के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि वस्तुस्थिति क्या आती है। बिल्कुल, और ये जांच के लिए जो उच्च स्तरीय टीम है वो इस वक्त घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी लगातार उसी ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रैक को एक बार फिर से बहाल करने को लेकर के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।